अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आप लोगों के 12th क्लास के केशव बुक का चैप्टर नंबर 28। और ये चैप्टर है ये इम्पॉर्टेंट है और आप लोग समझ ही गए होंगे इम्पॉर्टेंट है तभी मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में उठाए जाते हैं इसीलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 28 का नाम है फसाना अजायब, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये एक दास्तान है। दास्तान मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ जब मैं बाग बहार नाम का दास्तान पढ़ा रही थी, ठीक है, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ। दास्तान तवील अफसाने को कहते हैं, यानी कि बहुत लंबी कहानी जिसको एक ही बैठक में आप नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत ही लंबी कहानी को हम लोग बोलते हैं दास्तान। उसी तरह ये जो चैप्टर है ये एक दास्तान है, लेकिन आप लोगों को पूरी दास्तान को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर पूरी दास्तान को पढ़ना होता तो 2-3 घंटा का वीडियो बन जाता, लेकिन इस चैप्टर में पूरी दास्तान को पढ़ने के बजाय आप लोगों को उस दास्तान के छोटे से टुकड़े हिस्से को पढ़ना है, ठीक है। ये फसाना अजाब नाम का ये दास्तान है, लेकिन इस दास्तान में से एक छोटा सा टुकड़ा मतलब छोटा सा हिस्सा, छोटा सा कहानी आप लोगों के इस बुक में दिया गया है, ठीक है, उसको पढ़ना है, पूरे दास्तान को नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। तो मैं आप लोगों को समझाऊंगी इस चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर के मुसन्निफ़ यानी कि राइटर के बारे में समझ लीजिए और जान लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है और इसीलिए इनके बारे में जानना ज़रूरी भी है, ठीक है। तो फसाना अजायब नाम के इस चैप्टर के मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा रजब अली। क्या नाम है मुसन्निफ़ का? मिर्ज़ा रजब अली। और चलिए इनके बारे में समझ लेते हैं। मिर्ज़ा रजब अली का पूरा नाम है मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर, ठीक है। और इनकी पैदाइश हुई है 1785 या फिर 86 में। देखिए ऑप्शन में अगर 1785 देता है तो 1785 टिक कर दीजिएगा, अगर 1786 देता है तो 1786 टिक कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों एक साथ तो देगा नहीं, दोनों में से कोई एक दे सकता है, ठीक है। और इनकी पैदाइश 1785 या 86 को लखनऊ में हुई है, ये याद रखिएगा। सुरूर जो है उर्दू दुनिया में अपनी तसनीफ फसाना अजायब से मशहूर हुए, ठीक है। मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर है ये उर्दू की दुनिया में अपनी तसनीफ, अपना क्रिएशन जो है उनका फसाना अजायब नाम के दास्तान से ही वो फेमस हो गए, ठीक है। फसाना अजायब नाम का वो दास्तान लिखे और उसी दास्तान से मिर्ज़ा रजब अली बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए, बहुत चला वो फसाना अजायब नाम का दास्तान, ठीक है। और मिर्ज़ा रजब अली जो है ये उर्दू फारसी के अलावा अरबी भी जानते हैं, ठीक है। और इनकी कुछ किताबें देखिए आप लोगों के बुक में दिया गया है, जैसे कि सुरूर सुल्तानी, सगुफ़ मोहब्बत, गुलजार सुरूर वगैरह वगैरह। मिर्ज़ा रजब अली जो है वो बहुत सारी किताबें भी लिखे हैं, ठीक है। और इनका इंतकाल हुआ है 1869 को रामनगर में, ठीक है। तो ये हो गया मिर्ज़ा रजब अली के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए मैं इस दास्तान के एक टुकड़े एक हिस्से को मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए इस दास्तान में ना एक बादशाह की बात की जा रही है जो कि यमन का बादशाह है। कहाँ का बादशाह है? यमन का बादशाह है। और वो जो बादशाह था वो बहुत ज़्यादा नेक, साफगो और साफ दिल इंसान था, ठीक है। वो किसी से लालच नहीं रखता था, भोला था एकदम, बोलिए तो। कोई भी सायल उस बादशाह के पास आता था, सायल मतलब समझते हैं ना, सायल, सायल बोलते हैं मांगने वाले को। तो कोई भी सायल बादशाह के पास आता था और कुछ भी मांगता था ना, तो बादशाह जो है उसको जो कुछ भी वो सायल मांगता था वो दे दिया करते थे। इतना नेक दिल इंसान थे बादशाह, ठीक है। और उस बादशाह को फरखंदा बख्त भी बोला गया क्योंकि वो इतना नेक थे, इतना भोले थे, किसी से ना दुश्मनी, किसी से मतलब ना लालच, ठीक है, मतलब जो कुछ भी, इतना भोले थे कि मतलब भोलेपन की वजह से उनकी बेवकूफ़ी आप लोगों को इस कहानी में देखनी पड़ेगी, ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो उस बादशाह को मतलब एक और नाम दिया गया है, खुदा दोस्त, याद रखिएगा। पूरे उस यमन के लोग जो है बादशाह को क्या बुलाते हैं? खुदा दोस्त के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से बादशाह जो है ना बहुत मतलब उस पूरे यमन में वो जो बादशाह थे सभी के दिल में बैठ गए थे, ठीक है। इसीलिए सभी लोग उसे क्या बुलाते थे? खुदा दोस्त के नाम से बुलाया करते थे। तो एक दिन हुआ क्या कि बादशाह के पास एक सायल आया, मांगने वाला आया और बोला कि आप मैं सुना हूँ कि आप खुदा दोस्त हैं, किसी भी एक साहिल को आप बिना कुछ दिए वापस नहीं भेजे हैं, अगर आप सच में खुदा दोस्त हैं तो मेरी मांग को पूरा कीजिए। तो बादशाह बोलता है कि ठीक है, बताओ तुम क्या मांगते हो। तो साहिल कहता है, यानी कि मांगने वाला मांगता है कि मुझे आपका तख्त चाहिए 3 दिनों के लिए, मैं 3 दिनों के लिए बादशाह बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बनाएंगे? तो बादशाह जो है वो बहुत ज़्यादा नेक दिल और साफ़गो रहते हैं,
तो क्या करते हैं, 3 दिन के लिए उस साहिल को क्या कर देते हैं, बादशाह बना देते हैं, अपना तख्त व ताज उसको दे देते हैं, उस मांगने वाले को। अब वो 3 दिन के लिए बादशाह बन जाता है साहिल। 3 दिन के बाद बादशाह फिर आते हैं और बोलता है बादशाह कि देखो तुम्हारा 3 दिन पूरा हो गया, अब मेरा तख्त व ताज वापस करो, ठीक है, अब तुम जाओ, तुम्हारा मांग पूरी हो गई। तो पता है अब वो साहिल क्या बोलता है कि ये तो आपका इम्तहान था, ये आपका परीक्षा थी, ये आपका क्या था, इम्तहान था कि आप दे रहे हैं कि नहीं। अब मुझे इस तख्त व ताज पर, इस मतलब यमन पर राज करने में मज़ा आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, मुझे हमेशा के लिए यहाँ का बादशाह बना दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी उस बादशाह की, वो क्या किया बादशाह, उसको हमेशा के लिए साहिल को बादशाह बना दिया, ठीक है, पहली बेवकूफ़ी। देखिए नेक दिल साफगो बनना ठीक है, भोलापन ठीक है, लेकिन बेवकूफ़ी और बखलोल वाला काम करना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बेवकूफ़ी वाला काम किए बादशाह, उसको हमेशा के लिए क्या कर दिए, साहिल को बादशाह बना दिए, यमन का बादशाह बन गया। अब बादशाह को, अब जो पुराने वाले बादशाह थे उनको छोड़ कर जाना पड़ा उस शहर को। अब क्या किए, वो अपने बीवी और दोनों बच्चों को लेकर उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाने लगे। रास्ते में अब उनको मतलब कोई पता नहीं था बादशाह को वो कहाँ जाए, जहाँ रास्ता दिखता गया चलते चले गए, ठीक है। रास्ते में एक वो ढाबा जो होता है ना, वहीं पर ठहरे जाकर बादशाह, तो वहाँ पर जाकर ठहरे तो एक सौदागर आया, सौदागर यानी कि व्यापारी, ठीक है। तो एक सौदागर आया और बोला कि मेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली है और कोई दाई नहीं है, कोई हकीम नहीं है, क्या आप अपनी बीवी को मेरे साथ जाने देंगे, मेरी मदद मिल जाएगी। अब देखिए बादशाह जो है यहाँ पर भी अपना भोलापन दिखाते हैं, वो कहते हैं ठीक है, मेरी बीवी को अपने साथ ले जाइए, अगर आपका मदद हो जाता है तो मेरे लिए तो खुशी की बात है। अब जो है बादशाह ये दूसरी गलती करते हैं कि अपनी बीवी को सौदागर के साथ भेज देते हैं। सौदागर जैसे ही उनकी बीवी को लेता है, इतना तेज़ लेकर फरार होता है, इतना मतलब तेज़ लेकर भागता है कि वापस नहीं आता है उनकी बीवी को लेकर, ठीक है। यानी कि वहाँ पर बादशाह की बीवी भी अगवा हो जाती है, लेकर भाग जाता है सौदागर। अब बेचारे बादशाह इंतज़ार करते हैं कि कब सौदागर मेरी बीवी को लेकर आएगा, अब वो लेकर आने वाला है उनकी बीवी को नहीं लेकर आएगा, ठीक है। इंतज़ार करते करते दोपहर हो जाता है, बादशाह को अब टेंशन हो गई रहती है, उनके दोनों बच्चे उनके साथ होते हैं। अब बादशाह मतलब इंतज़ार करते करते थक गए रहते हैं, अब वो ढूंढने चलते हैं अपनी बीवी को कि अभी तक नहीं आई, क्या हुआ मतलब उसके साथ। अब यहाँ पर बादशाह का क्या हो जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, उनकी दिक्कतें बढ़ जाती है क्योंकि उनकी बीवी उनके साथ नहीं थी। तो बादशाह और उनके दोनों बेटे जो है उनकी बीवी को ढूंढने निकलते हैं, ठीक है। तो रास्ते में दरिया आता है, नदी, ठीक है, नदी जानते हैं ना, रिवर। तो नदी आता है तो नदी को पार करने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है। तो बादशाह सोचते हैं कि क्यों ना मतलब मैं तैर कर पार कर दूँ नदी को, ठीक है। तो बादशाह क्या करते हैं, अपने बड़े बेटे को नदी के किनारे खड़े कर देते हैं और छोटे बेटे को अपने कंधे पर रख कर तैर कर नदी पार करते हैं। जैसे ही बीच नदी में बादशाह पहुँचता है, तब तक नदी के किनारे जो बड़े बेटे को वो खड़ा किए थे, उस बेटे को एक भेड़िया उठाकर लेकर भाग जाता है, ठीक है, लेकर चला जाता है। अब जो वो उनका बड़ा बेटा चिल्लाता है, ज़ोर से चीखता है, तब तक जैसे ही बादशाह अपने बड़े बेटे को देखते हैं घूमकर, वैसे ही उनका कंधे पर रखा हुआ छोटा बेटा नदी में गिर जाता है और नदी उसको बहाकर लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर उनके छोटे बेटे को भी मौत हो जाती है और बड़ा बेटा भी क्या हो जाता है, उसको भेड़िया लेकर चली जाती है, ठीक है। और यहीं पर बादशाह का कहानी दिखाया गया और ये इसी के साथ आप लोगों का ये कहानी ख़त्म होता है। और इससे आप लोगों को पता है क्या सीख मिलती है, आप लोगों को मालूम चल गया होगा, इससे हम लोगों को यही सीख मिलती है कि कभी भी नेक बनिए, साफगो बनिए, भोला बनिए, लेकिन बेवकूफ़ी वाला काम नहीं कीजिए। बादशाह की दो बेवकूफ़ी उन पर भारी पड़ गई। पहली बेवकूफ़ी ये थी कि वो अपना तख्त व ताज, अपनी बादशाहत उस साहिल को दे दिए, ठीक है। दूसरी बेवकूफ़ी वो अपनी बीवी को सौदागर को दे दिए कि जाओ हेल्प कर देगी तुम्हारी बीवी को तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये दूसरी बेवकूफ़ी थी। और तीसरी बेवकूफ़ी वो अपने एक बेटे को किनारे पर खड़े कर दिए, दूसरे को अपने कंधे पर लेकर तैरने गए थे। तो इतनी बेवकूफ़ी करने के बाद साहिल को आखिर में क्या हासिल हुआ, कुछ नहीं, सब कुछ उनके ज़िंदगी से लूट गया, ठीक है। तो आप लोग अपनी ज़िंदगी में नेक बनिए, नेकी काम कीजिए, भोला बनिए, साफगो बनिए, लेकिन बेवकूफ़ी वाला काम कभी नहीं कीजिएगा। इससे आप लोगों को यही सीख मिलती है, ठीक है। अब चलिए फटाफट इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को हम लोग समझ लेते हैं। मैं निकाल लेती हूँ आप लोगों का।
हाँ, तो आप लोगों का सवाल स्टार्ट होता है, आप बताए से, यानी कि आप लोगों को बताना है। सबसे पहला सवाल है, फरखंदा बख्त किसको कहा गया है? फरखंदा बख्त यमन के बादशाह को कहा गया है, ये मैं आप लोगों को बताई ना। दूसरा सवाल है, साहिल को क्या मिला? तो साहिल को बादशाहत मिली। साहिल आया था बादशाह से बादशाहत मांगने के लिए, तो साहिल को तो बादशाहत मिल गई, तख्त व ताज मिल गया, ठीक है। तीसरा सवाल है, बादशाह सल्तनत छोड़कर कहाँ गया? तो बादशाह जो है वो अपना सल्तनत छोड़कर दूसरे शहर चला गया, ठीक है। चार नंबर सवाल है, सौदागर ने बादशाह के साथ क्या सलूक किया? सौदागर जो है, जो व्यापारी, वो सौदागर बादशाह के साथ क्या सलूक किया? तो उसने धोखेबाजी की, ठीक है। वो बोला कि मेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली है, आप अपनी बीवी को मेरे साथ चलने दीजिए ताकि मतलब मेरी मदद हो सके। वहाँ पर जो सौदागर है व्यापारी, वो बादशाह को धोखा दिया और उसकी बीवी को लेकर भाग गया, ठीक है। पांच नंबर सवाल है, बादशाह की बेगम किसके साथ गई? तो बादशाह की जो बेगम थी, वाइफ थी, वो सौदागर के साथ चली गई। मुख्तसर गुफ्तगू की बात आती है, यानी कि जिसमें आप लोगों को चार पांच सेंटेंस में आंसर लिखना होता है। सबसे पहला सवाल है, बादशाह किस मिजाज का आदमी था? तो बादशाह तो जो था वो अच्छा मिजाज का आदमी था, वो नेक था, साफगो था, और इसीलिए पूरे मतलब यमन के लोग बादशाह को खुदा दोस्त के नाम से पुकारते थे, ठीक है। दूसरा सवाल है, सौदागर ने बादशाह से क्या कहा? सौदागर जो आया था व्यापारी, बादशाह से क्या कहा? तो बादशाह से उसने यही कहा कि मेरी बेटी की डिलीवरी होने वाली है, ठीक है। डिलीवरी को उर्दू में बोलते हैं, रुकिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, डिलीवरी को उर्दू में बोलते हैं दर्द ज़ह, ठीक है। क्या बोलते हैं? दर्द ज़े, ठीक है। तो मेरे बीवी को दर्द ज़े हो रहा है, आप अपनी बीवी को क्या कर दीजिए, मेरे साथ भेजिए ताकि मेरी हेल्प हो सके, मेरी मदद हो सके, ठीक है। तो इसीलिए सौदागर जो है ये बादशाह को बात कही ताकि वो अपने उसकी बीवी को लेकर भाग सके, ठीक है। तीसरा सवाल है, बादशाह की परेशानी क्यों बढ़ गई? बादशाह की परेशानी इसलिए बढ़ गई क्योंकि सौदागर जो है वो उसकी बीवी को लेकर भाग गया, इसीलिए। चलिए चार नंबर सवाल है, बादशाह के बच्चे कहाँ गए? बादशाह के वो जो दोनों बच्चे थे वो कहाँ गए? तो पहले बच्चे को तो, बड़े वाले बच्चे को तो भेड़िया उठा कर लेकर चली गई, और दूसरा जो बच्चा था वो नदी में गिर गया और नदी उसको भाग कर लेकर चली गई, वो उसकी भी मौत हो गई, ठीक है। अब बात आती है तफसीली गुफ्तगू की, यानी कि तफसील से लिखने की बात, यानी कि जिसमें आप लोगों को एक दो पेज में आंसर लिखना होता है। सबसे पहला सवाल है, बादशाह और साहिल के किरदार में क्या फ़र्क है? मुफसल बयान कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को बादशाह और साहिल जो मांगने वाला है उन दोनों के बीच फ़र्क वाजह करना है। उन दोनों जो करैक्टर है, बादशाह का करैक्टर और साहिल का करैक्टर, इन दोनों करैक्टर यानी कि किरदार के बीच क्या फ़र्क है आप लोगों को वाजह करना है, ठीक है। तो बादशाह जो है वो नेक साफगो रहता है, फरखंदा बख्त रहता है, ठीक है। लेकिन साहिल जो है वो लालची रहता है, वो तख्त व ताज की लालच में आकर बादशाह से पूरी हमेशा के लिए तख्त व ताज ले लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा सवाल की, सौदागर ने क्या धोखा किया? सौदागर जो व्यापारी आया था बादशाह के पास, उसने क्या धोखा किया? तो धोखा उसने यही किया कि वो आया सौदागर और बादशाह से बोला कि मेरी बीवी को दर्द ज़े हो रहा है, यानी कि मतलब डिलीवरी होने वाली है, आप अपनी बीवी को क्या कीजिए, मेरे साथ भेजिए, कोई हकीम नहीं मिले, कोई दाई नहीं मिल रही है, तो मेरी मदद हो जाएगी, यही धोखा किया। और जैसे ही बादशाह जो है अपनी बीवी को उसको सौंपे, और वो सौदागर क्या किया, उनकी बीवी को लेकर फरार हो गया, भाग गया, तो यही धोखा किया था सौदागर। तीसरा सवाल है, बादशाह का बेगम की तलाश में निकलने के बाद का किस्सा अपनी ज़ुबान में लिखिए। बादशाह जो थे वो अपने दोनों बच्चों के साथ अब अपनी वाइफ अपनी बेगम की तलाश में निकले, जब सौदागर का इंतज़ार करते रहे, बीवी उनकी नहीं आई दोपहर तक, तो वो अपनी बीवी को ढूंढने के लिए निकले, तो उसके बाद की कहानी को आप लोगों को बताना है कि बादशाह के साथ क्या हुआ। तो बादशाह के साथ यही हुआ कि वो ढूंढते ढूंढते गए तो रास्ते में नदी दिखाई दी, दरिया, तो वो सोचे कि दरिया को पार किया जाए, दरिया में कुछ भी नहीं था, उस नदी में बोट कुछ भी नहीं था कि वो मतलब क्या करे, नदी को पार कर सके, तो उन्होंने तैरना लाजमी समझा, तो एक अपने बड़े बेटे को किनारे पर खड़ा कर दिया और छोटे बेटे को अपने कंधे पर रखकर नदी में तैरने लगे और नदी पार कराने लगे। जैसे ही नदी के बीच में पहुँचे तो क्या किए, भेड़िए ने उनके बड़े बेटे को लेकर उठा कर लेकर चली गई, और जो जब बेटा चिल्लाया तो जो बादशाह है वो जैसे ही घूम कर देखे, ठीक है, तो उनका छोटा बेटा उनके कंधे पर से नदी में गिर गया और नदी उसको बहा कर लेकर चली गई, ठीक है, यही वाक्य आप लोगों को बता देना है। चार नंबर सवाल है,
बादशाह की बदकिस्मती का जायजा लीजिए। अब यहाँ पर आप लोगों को बादशाह की बदकिस्मती का जायजा लेना है, ओवरव्यू करना है, उनकी बदकिस्मती बतानी है। तो मैं सारा कहानी तो बता ही दी, आप लोग खुद से भी लिख देंगे। चलिए पांच नंबर और लास्ट सवाल है, बादशाह के अहलखाना के साथ क्या हादसा पेश आया। ठीक है, बादशाह का जो वाइफ थी उनकी पत्नी, उनकी बीवी के साथ क्या मतलब हादसा हुआ। तो हादसा यही हुआ कि उनका जो मतलब सौदागर आया था व्यापारी, वो बादशाह को धोखा देकर उनकी बीवी को उठाकर लेकर फरार हो गया, भाग गया। तो यही हुआ था, बस इसको आप लोगों को लंबा चौड़ा लफ्ज़ों को सजा कर लिख देना है। सब कुछ क्लियर है, सारा चीज़ मैं बता दूँ। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर नंबर 28 क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट होता है। कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, जो कुछ भी मैं समझाई अगर आप लोगों को समझ में आया तो लाइक और शेयर तो बनता है। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने पड़ोसियों के पास, अपने दोस्तों के पास। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।